गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये 25TR का पैकेज यूनिट है। ये न्यू यूनिट था, नया यूनिट है, बट इसका कॉन्ट्रेक्टर बहुत जल्द 2 हफ्ते में ही जल गया। सो जो टॉपिक है आज का, व्हाई डिड दिस कॉन्ट्रेक्टर गेट डैमेज और बर्न, तो ये जला क्यों है, वजह क्या था, किस वजह से। तो कभी भी कोई भी कंपनी का एसी हो, पैकेज यूनिट हो, जब भी आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कमीशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू यूनिट चेक द लूज कनेक्शन ऑफ द वायरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या, इस टेक्नीशियन ने सिर्फ वो 3 केबल लगाया, मेन का और न्यूट्रल का वायर लगाया, बाकी वो स्टार्ट कर दिया, आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो ये ब्लोअर कॉन्ट्रेक्टर है ये, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, क्योंकि ब्लोअर कॉन्ट्रेक्टर तो जो मेन लाइन है, जो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, वो लूज था, इसका स्क्रू प्रॉपर टाइट नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री से प्रॉपर टाइट नहीं होता, ये रूल्स भी है हर कंपनी का, क्योंकि फैक्ट्री में उतना टाइम नहीं दिया जाता है, उनका एक टाइम लिमिट होता है कि इतना टाइम के अंदर काम को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, आप उसको देखिए, लूज था ये, तो ये लूज होने की वजह से ये कॉन्ट्रेक्टर वो जल गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो ओके है, यानी कि मोटर ओके है, तो ये जल गया आपका। तो इसीलिए कभी भी न्यू यूनिट को स्टार्ट करें तो वायरिंग लूज कनेक्शन जरूर चेक करें, ज़रूर चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लूज कनेक्शन और वाल्व। कुछ कंप्रेसर में सेक्शन में डिस्चार्ज वाल्व नहीं आता है, लेकिन कुछ आता है तो ज़रूर उसको इंस्पेक्शन कर चेक कर लें, है तो है कि नहीं, अगर है तो उसको ओपन कर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ज़रूर चेक करें। तो यही बताने का मकसद था। तो इसका हमने कॉन्ट्रेक्टर को रिप्लेस किया है, अभी ये ब्लोअर का एम्पेयर 16.2 है, रेडिएट एम्पेयर इसका 21.2 था, 15.9 मीन्स ओके है। तो कभी भी नया एसी को चालू करें तो लाजमी है कि वायरिंग को टाइट कर लें, चेक कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी